हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्रेनहीटर्स। दिस इज रिद्धि एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट COA, दैट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। सो दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट हाउ कंप्यूटर वर्क्स, द एल्गोरिदम दैट इज इट हैज, द इनपुट आउटपुट मेथड्स, और वी हैव द पाइपलाइनिंग दैट इज यूज्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब हम ये सब करते हैं, जो फ्लैग्स यूज होते हैं या फिर जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम से जो यूज़ होते हैं, तो जब हम वो एग्ज़ाम के टाइम करने जाते हैं तो वो एक बहुत मैस क्रिएट हो जाता है, जिससे हमें ये सब्जेक्ट पास करने को डिफ़िकल्टी होती है। सो व्हाट वी हैव फॉर यू इज़ 17 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको ये सब्जेक्ट बहुत ईजीली पास करा देंगे। मतलब ये 17 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे लिए एक लिफ्ट की तरह है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम स्टेयर्स यूज़ करके हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने का ट्राई करते हैं, बट हमने आपके लिए 17 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लाए हैं जो एक लिफ्ट की तरह है। अगर आपने ये 17 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कर लिए तो आप इजीली ये सब्जेक्ट स्कोर भी कर सकते हो और पास भी कर सकते हो। तो ये हमने 4-day प्लान में डिवाइड किया है आपके लिए। तो जो day 1 का प्लान है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब मेमोरी सेगमेंटेशन इन डिटेल, एक्सप्लेन हाउ एड्रेस ट्रांसलेशन इज परफॉर्म इन वर्चुअल मेमोरी। ये क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन बोथ एल्गोरिदम विद एन एग्जांपल एंड न्यूमेरिकल आल्सो। सो दिस विल कम फॉर 5-10 मार्क्स। लाइक 5 मार्क्स के लिए आया तो सिर्फ बोथ एल्गोरिदम आएगा, बट अगर उन्होंने बोला कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल एंड अ न्यूमेरिकल आल्सो, सो दैट मींस ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड यू हैव टू राइट ब्रीफिंग अबाउट बोथ एल्गोरिदम एंड न्यूमेरिकल को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग एंड इट्स हैजार्ड्स। सो दिस विल कम फॉर 10 मार्क्स। फोर्थ क्वेश्चन इज फ्लिंग्स क्लासिफिकेशन, दिस विल ऑल्सो कम फॉर 10 मार्क्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर day 1 इज एक्सप्लेन द पेज ऑफ एड्रेस ट्रांसलेशन इन केस ऑफ वर्चुअल मेमोरी एंड एक्सप्लेन TLB। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कम एंड इट विल कम फॉर 10 मार्क्स। सो द सेकेंड डे प्लान, द सिक्स्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट मेथड ऑफ डेटा ट्रांसफर। सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम फॉर 10 मार्क्स। Seventh question is explain DMM method of input output data transfer. This question is also expected to come for 10 marks. Eighth question is state the various types of data transfer techniques. Explain DMA in detail. Yeah, so you have to explain DMA in detail in this question. So this is also the question for 10 marks. Ninth question is draw and explain floating point, addition, subtraction, multiplication, division algorithm. You have to explain each of the algorithms in detail and this question is also for 10 marks. So the 10th question and the last question is describe the memory hierarchy in computer system. This question is expected for 5 marks. So guys, ye hai aapke 10 questions. Agar aapne ye 10 questions kar liye to aap easily ye subject pass kar sakte ho. But to be on a safer side, hum day 3 aur day 4 dono karenge taki hum acche se score bhi kar sake. So jo day 3 mein first question hai wo hai, what is necessity of sash memory? Explain set associative sash mapping. So this question is for 10 marks. So the 12th question hai wo hai explain superscalar architecture. This question is for 5 marks. 13th question is explain IEEE 745 floating point representation formats for single precision format. This question is for 5 marks. So the 14th question or the last question for day 3 is describe the hardwired control unit and specify its advantages. Yes, you have to first of all describe the hardwired control unit and also you have to give many examples. Like this question is for 10 marks. So you'll be writing approximately 7 to 8 advantages for the same so that you score good marks. So the last day plan, that is day 4 plan, is what is IO buffering? This question is expected for 10 marks. 16th question is what is virtual memory? This question is expected for 5 marks. And 17th and the last question is restoring and non-restoring division. This question mein matlab you explain theory bhi aa sakta hai or else numerical bhi aa sakta hai. So if theory comes, it is for 5 marks. But if numerical comes, it can be expected for 10 marks also. So guys, ye the aapke 17th questions. जो आप कर लोगे तो फिर आप इजीली COA पास कर सकते हो एंड आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। बट अब हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्वेश्चन बैंक्स भी देख लो एक बार जो वेबसाइट पे है, सो दैट यू स्कोर गुड मार्क्स। सो गाइस, आपको पता है क्या कि जो हमने लास्ट टाइम एक सर्वे किया था
तब क्या हुआ था पता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें सिर्फ 32 मार्क्स का ही हाउ टू पास में से आया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी भी फेस हुई थी ये सब्जेक्ट पास करने में। तो इस बार हमने आपके लिए क्या किया ना, वी हैव ब्रेनहीटर्स क्वेश्चन बैंक्स, ब्रेनहीटर्स क्वेश्चन पेपर्स एंड ब्रेनहीटर्स ब्लूप्रिंट्स। तो ब्रेनहीटर्स क्वेश्चन बैंक में क्या होगा ना, हमने आपके लिए मॉड्यूल वाइज डिवाइड करके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं सो दैट अगर आप हाउ टू पास और ये क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आप इजीली पास भी नहीं बट आप बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। ब्रेनहीटर्स क्वेश्चन पेपर्स में क्या होगा ना, हमने आपके लिए क्या किया, हमने आपके लिए जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो सब साथ में अलोकेट करके उन्हें एक कलर फॉर्मेट दे दिया तो फिर आपको आइडिया आएगा कि कितना क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है एंड आपको वैसे उसका इम्पोर्टेंस भी समझेगा। ब्रेनहीटर्स ब्लूप्रिंट्स में कैसा होगा ना, आपको पता चलेगा कि मॉड्यूल वाइज कौन सा मॉड्यूल इम्पॉर्टेंट है एंड कौन से क्वेश्चन में कौन सा मॉड्यूल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है तो यू कैन लाइक मैनेज योर स्टडीज एट द सेम वे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो उन फ्रेंड्स के साथ जिन्हें ये सब्जेक्ट स्कोर करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट अस कि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए एंड अगर आपको कुछ स्टडी मटेरियल्स या कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आए एंड यू डोंट मिस ऑन समथिंग रियली नाइस। थैंक यू।